राजकारणातली गुन्हेगारी संपुष्टात आणण्यासाठी आता सुप्रीम कोर्ट सरसावल्याचं दिसतंय. देशातल्या आमदार खासदारांवर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले. हे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या धर्तीवर विशेष न्यायालय नेमण्याबाबतही न्यायालयानं विचारणा केली आहे. यासाठी किती खर्च येईल याचीही सविस्तर माहिती सुप्रीम कोर्टानं मागवली आहे. भाजप प्रवक्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. देशातल्या आमदार खासदारांवर प्रलंबित असलेल्या 1581 खटल्यांची सध्या स्थिती काय आहे याबाबत 6 आठवड्यांमध्ये माहिती देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठानं दिले. 2014 सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जाहीर झालेले हे खटले आहेत. ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पिछले 3 साल में यानी 14 से लेकर 17 तक कितने नए MLAs और MP खिलाफ केसेस दायर हो चुके हैं, उनका क्या स्टेटस है. और सरकार से ये भी पूछा है कि इन सारे केसेस को 1 साल के अंदर ख़त्म करने के लिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़ेंगे, कितने आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, कितने जजेज अपॉइंट करने पड़ेंगे, कितनी अलग से कोर्ट बनानी पड़ेगी, पूरा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा. तो पूरा का पूरा एक प्रपोजल मांगा है. इससे बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इस राजनीति को साफ करना चाहती है. जिस राजनीति को कायदे से हम नेताओं को साफ करना चाहिए था, हम नेताओं ने इसको नहीं किया, अब उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट साफ करना चाहता है. और हमें पूरा भरोसा है कि अगले 2 साल के अंदर ये राजनीति एक नई राजनीति बनेगी, एक नई राजनीति बनेगी तो एक नया देश भी बनेगा. और अदरवाइज इतना डिटेल ऑर्डर लिखवाने का मतलब नहीं था. एक एक शब्द पूरा लिखवाया, कितने MLA कितने MP, कितनों को सजा हुई, कितने छूटे, कितने खिलाफ चार्जेज फ्रेम हो चुके, पिछले 3 साल में कितनी FIR लाज हुई, कितनी FIR लाज हुई, तो उनका स्टेटस क्या है. तो पूरा पूरा अगर स्टेटस मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट, और सारे MLA MP का मांग रहा है, केवल MPs का नहीं मांग रहा, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस समझ में आ गया है सुप्रीम कोर्ट को कि राजनीति को साफ अब वही कर सकते हैं और कोई नहीं करने वाला.